नमस्कार दोस्तों, बुडानिया इस के बी प्लस टीवी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अमित बुडानिया आपके साथ ए बी परिचर्चा के कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। इस कार्यक्रम को हम लोग सोमवार से शुक्रवार को आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है आईएएस और आरएएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को जो राष्ट्रीय उसके साथ साथ आर्थिक और वैश्विक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर एक दृष्टिकोण को विकसित करना। हम प्रत्येक कार्यक्रम में एक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। उस दृष्टिकोण के अनुसार पहले हम उस मुद्दे की चर्चा में होने के कारणों पर चर्चा करते हैं। उसमें चर्चा में होने के साथ साथ हम उसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं और पृष्ठभूमि के साथ साथ एक विजन, एक दृष्टिकोण तैयार करते हैं, एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमारे दृष्टिकोण में क्या बेहतर होना चाहिए। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए बेहतर होता है कि वो किसी एक विचारधारा का समर्थक नहीं हो, वो तटस्थ निर्णय होकर ले, यानी उसकी विचारधारा हमेशा न्यूट्रल होनी चाहिए। उस न्यूट्रल विचारधारा को बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि करंट अफेयर्स से जुड़ी चीज़ों को और आप लोगों को उस आइडियोलॉजी को न्यूट्रल बनाया जा सके। आज का मुद्दा जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि आज हम लोग भारत में चल रही मंदी और उसके दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। एक नया दौर शुरू हुआ है, एक नई चर्चा शुरू हुई है कि देश में मंदी का दौर चल रहा है। एक नज़र डालते हैं कि किन मुद्दों की वजह से ये चर्चा में है। आज ही 2 घंटे पहले IMF ने एक बयान दिया है कि भारत में मंदी का जो दौर चल रहा है ये उम्मीद से कम प्रगति है और भारत की उम्मीद है कि 2019 में संपूर्ण वित्तीय वर्ष में 7% समृद्धि दर रहने की आवश्यकता है। 2020 में ये समृद्धि दर 7.2% होने की उम्मीद है। हालांकि आंकलन है कि ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम है, खासकर कर तब कम है जब देश के प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा और लक्ष्य रखा है इस देश के लिए। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो USA की एक संस्था है ग्लोबल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की, उस संस्था ने दावा किया है कि चीन से ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और उसने ये भी दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अर्थात एक तरफ देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में मंदी का दौर माना जा रहा है और संपूर्ण विश्व के दौर में भारत को प्रभावीशील अर्थव्यवस्था ही माना जा रहा है। ऐसे में एक विवाद का विषय शुरू हो चुका है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, कुछ संस्थाओं के अनुसार भारत में मंदी का दौर है, कहीं दूसरी ओर देखें तो कुछ लोगों के अनुसार भारत में मंदी का दौर नहीं है, ये तो कुछ समय का स्लोडाउन है। हालांकि शेक्सपियर ने एक बात कही है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो गुलाब गुलाबी रहता है। ऐसे में मंदी को स्लोडाउन कह दो, मंदी को डिफ्लेशन कह दो, मंदी को कुछ समय के अल्पकालीन समय के लिए मांग का कमी रहना कह दो, लेकिन कुल मिलाकर अगर व्यवहारिक पक्ष पर देखा जाए तो देश में मांग कम है। ऐसे में इस मंदी के मुद्दे की चर्चा करें तो कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के दृष्टिकोण में एक विवाद का विषय बना हुआ है। हाल ही में CSO ने, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, एक रिपोर्ट जारी की है कि अप्रैल और जून के महीने में 2019 में भारत की GDP 5% रही है, खासकर कर तब जब आपने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा किया हो और पिछले 25 तिमाही में, यानी लगभग आप कहें तो लगभग 75 महीनों में ये सबसे कमजोर आंकड़ा है जो इस देश के सामने आया है। ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में हमारे सामने शुरुआत में ही एक संकट का दौर शुरू हो चुका है। एक अर्थव्यवस्था GDP की 5% पर अनुमान है। वहीं देश में ही कुछ अर्थशास्त्री और अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह आंकलन भी किया है कि ये ग्रोथ 5% से भी कम है। हालांकि देश की RBI ने इस बात को स्वीकार किया है कि देश में मंदी का दौर है। नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने स्वीकार किया है कि मंदी का दौर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है 10 साल में और उन्होंने भी स्वीकार किया है कि देश में मंदी का दौर है। ऐसे में भारत जैसे राष्ट्र को इस मंदी के दौर से निपटने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, क्या वास्तव में मंदी है या नहीं है, किन क्षेत्रों में मंदी और किन क्षेत्रों में मंदी नहीं है, उसका एक प्रमुख विवाद का मुद्दा है। भारत का मानना है कि यदि $5 ट्रिलियन का टारगेट पूरा करना है और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो हर साल कम से कम 8% समृद्धि दर को बढ़ाने की क्या है आवश्यकता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में मंदी का दौर नहीं है, भारत में आय के नहीं बढ़ने से ऐसी मांग का नहीं होना है, लेकिन आय का नहीं बढ़ना भी एक तरीके से मंदी का ही अल्पकालीन समय का परिणाम होता है जो दीर्घकालीन समय में फिर मंदी को ही बढ़ावा देता है। आय नहीं बढ़ने के पीछे कुल लोगों का मानना है कि सरकार की GST की नीति और नोटबंदी 2 प्रमुख कारण हैं जिस वजह से इस देश में मंदी का दौर है। लगभग हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र से अपने आप को बाहर निकालने के लिए प्रयास किया है, 1.76 लाख करोड़ RBI ने देने का वादा किया है। हालांकि सरकार ने अपने बजट में टारगेट 90,000 करोड़ का ही रखा था, उस उम्मीद से कई गुना सरकार को मिला है और 1.76 लाख करोड़ RBI ने दिया है।
सरकार इस 1.76 लाख करोड़ रुपए का प्रयोग देश में बैंकिंग के क्षेत्र को सुधार करने के लिए, रेलवे के क्षेत्र को सुधार करने के लिए, सड़क निर्माण के क्षेत्र में काम लेने के लिए, ताकि आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाकर देश में निवेश की संभावनाओं को पुनः बढ़ाया जाए, ऐसा सरकार का मानना है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार को अपनी कर नीति को बदल देना चाहिए और कुछ का मानना है कि कर नीति बदलने से ये मंदी का दौर और संकट की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसे में एक बहुत बड़ा विवाद है और इसी विवाद की वजह से हम जैसे विशेषज्ञों के लिए या हम जैसे पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय बन चुका है कि हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मंदी है या नहीं है, या मंदी है तो क्या प्रभाव रहेगा, और अगर मंदी है तो दूसरी तरफ कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो इस राष्ट्र के उन सभी आलोचकों को जो मंदी का दौर कह रहे हैं उनकी आवाज़ को बंद भी कर देते हैं। जब सोने के दाम की बात करोगे तो 25% से अधिक वृद्धि हुई है, और दूसरी तरफ जब हम लोग सैमसंग कंपनी की बात करें तो सैमसंग कंपनी ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है कि नोट 10 जब से हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसकी 80,000 से भी अधिक कीमत है, उसकी मांग नोट 9 से भी अधिक है। दूसरी तरफ आंकड़ा सुनने को मिलता है कि देश में बिस्कुट की मांग भी कम हो चुकी है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर की मांग कम हो चुकी है। एक तरफ कहाँ कुछ तबका है जो ये साबित कर रहा है कि बिस्कुट की मांग कम है, और दूसरी तरफ एक तबका है जहाँ 80,000 रुपये के फ़ोन भी बिकना बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देश में टीवी पिछले साल की तुलना में कम बिके हैं, लेकिन जो टीवी बनाने का एसोसिएशन है उनके व्यापार एसोसिएशन का मानना है कि इसका बदल कम होने की इस टीवी की मांग का कम होने का मूल कारण ये नहीं है कि देश में मांग नहीं है, मूल कारण यह है कि लगभग 18 साल से लेकर 35 साल के वर्ग के लोग टीवी से हटकर मोबाइल की दुनिया में व्यस्त हो चुके हैं, जब से ये स्ट्रीमिंग की लाइन की दुनिया, हॉटस्टार जैसी चीज़ें देश में विकसित हो रही हैं। तो अगर एक तरफ उन बयानों को देखें तो ये मान नहीं सकते हैं कि देश में मंदी का दौर है, दूसरी तरफ IMF जैसी बड़ी वैश्विक संस्था कह रही है कि मंदी का दौर है, वहीं अमेरिका जैसी राष्ट्रों की संस्थाएं कह रही हैं कि भारत वर्तमान समय में दुनिया की तुलना को देखते हुए बहुत आगे है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि केवल घरेलू मांग जिम्मेदार नहीं है, इसके साथ साथ अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा ट्रेड वॉर भी एक प्रमुख जिम्मेदार मुद्दा है। इन सभी समीकरणों पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत के अंदर 3 प्रमुख क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था में, कृषि, उद्योग और सेवा का क्षेत्र। जब कृषि के क्षेत्र का आंकलन देखें तो इसी मई जून जुलाई का, अप्रैल मई जून 3 महीनों के आंकड़े का अगर हम आंकलन करें तो अप्रैल मई जून 2018 में कृषि के क्षेत्र में ग्रोथ 5% थी, जो अप्रैल मई जून 2019 में 2% हो चुकी है। अर्थात कृषि के क्षेत्र में पिछले साल की तिमाही आंकड़ों की तुलना में इस साल के 3 माह के आंकड़ों में बहुत गिरावट आई है। ये गिरावट केवल कृषि में ही नहीं है, जब उद्योग के आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल मई जून 2018 में उद्योग के क्षेत्र में 12% वृद्धि थी, वहीं जब भारत के संदर्भ में 2019 के अप्रैल मई जून के आंकड़ों को देखें तो ये वृद्धि 12% से गिरकर केवल 0.6% हो गई है, जो वास्तव में एक चिंता का विषय है, क्योंकि औद्योगिक विकास के दम पर ही भारत एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को मजबूती तरीके से बना सकता है, बिना औद्योगिक विकास के संभव भी नहीं है। जिस क्षेत्र की वजह से संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान है सर्विस सेक्टर की, उसका भी आंकड़ा कहता है कि अप्रैल मई जून 2018 में 55% योगदान था, और अगर वर्तमान ग्रोथ की बात करें तो लगभग 25% गिरावट इस सेवा के क्षेत्र में भी आई है। आंकड़ा कह रहा है कि रियल इस्टेट के सेक्टर में वृद्धि हो रही है, लोगों के घर की मांग बढ़ रही है, हाउसिंग की कंस्ट्रक्शंस बढ़ रहे हैं, लेकिन आंकड़ा यहाँ भी दर्दनाक है कि अप्रैल मई जून की बात करें हम लोग तो 2018 में ये ग्रोथ 9% थी, लेकिन 2019 में ये ग्रोथ 5.6% हो चुकी है। ऐसे में सबसे बुरा प्रभाव अगर मंदी का देखा जाए तो मंदी का सबसे बुरा प्रभाव देश में ऑटोमोबाइल के सेक्टर में है। ऑटोमोबाइल का सेक्टर लगभग 7 से 8% वृद्धि को गिरा रहा है, पर अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है कि वास्तव में मंदी है या कुछ और कारण है अर्थव्यवस्था के, जिस वजह से इन मुद्दों पर निरंतर गिरावट आ रही है। हम लोग पहले चर्चा करते हैं महंगाई और मंदी की तुलना करते हैं। जब भी कोई आम आदमी इन दो शब्दों को सुनता है तो डर जाता है, उसको लगता है कि महंगाई भी बुरी है और मंदी भी बुरी है, लेकिन जब अर्थशास्त्रियों के अनुकूल देखा जाए तो भारत महंगाई के दौर से यदि गुजरता है जैसा 2014 से गुजर रहा है तो भारत के लिए फायदे का सौदा है। जब भी किसी राष्ट्र में महंगाई होती है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ उपलब्ध वस्तु और सेवा की कीमतें ज़्यादा हैं, और कीमतें ज़्यादा होने का मूल कारण अर्थशास्त्र में माना जाता है कि उस वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा है। ऐसे में मांग ज़्यादा होने की वजह से उस राष्ट्र में निवेश अधिक होगा, उस राष्ट्र में रोजगार अधिक सृजित होगा, उस राष्ट्र में गरीबी और बेरोजगारी कम होना शुरू होगी। ऐसे में महंगाई किसी भी राष्ट्र के लिए विकास का बहुत बड़ा चिन्ह होता है। लेकिन मंदी की जब बात करें
तो मंदी का प्रभाव दीर्घकालीन समय में आता है, तुरंत देखने को नहीं मिलता है। और मंदी का अर्थ होता है कि जब लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाए, ऐसे में लोग मांग कम करते हैं, और जब मांग कम करते हैं तो नया उत्पादन देश में सृजित नहीं होता, नया रोजगार सृजित नहीं होता, और नया निवेश देश के अंदर किसी भी परिस्थिति में नहीं होता। ऐसे में कर से कमाई की संभावना कम हो जाती है, नए निवेश के कम होने से देश में आय की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और परिणाम स्वरूप जो उत्पादन पहले से चल रहा है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। जैसा ऑटोमोबाइल के सेक्टर में 8% समृद्धि दर गिरने की वजह से अनुमान है कि 8% बिक्री गिरने से लगभग 10 लाख से अधिक लोगों का रोजगार संकट में जा चुका है। इसका मूल कारण यही है कि ऑटोमोबाइल में नई कंपनियों का प्रवेश करना तो पूर्णतः इस दौर में संभव नहीं है। इसके साथ साथ जो कंपनियां बना रही हैं उनको भी अपने प्रोडक्शन को रोकना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास इतना स्टॉक इकट्ठा हो चुका है कि उसकी मांग अब थोड़े समय के लिए कम हो चुकी है। ऐसे में इस पूरे समीकरण की बात करें तो किसी भी सरकार के लिए महंगाई सकारात्मक चिन्ह होती है, और महंगाई को नियंत्रित करना उनके लिए आसान भी है। बेहतर इन्फ्लेशन पॉलिसी को अपनाकर, सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को अपनाकर हर वंचित से वंचित तबके को लाभ पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जब राष्ट्र में मंदी आती है तो एक व्यवस्था ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कि डिफ्लेशन क्राइसिस में निकलना अपने आप में संभव नहीं है। मंदी के दौर में सरकार स्वयं नहीं कमा रही है, जनता स्वयं नहीं कमा रही है, निवेशक निवेश करने को इच्छुक नहीं है, तो एक गरीबी का चक्कर शुरू होता है जो गरीबी के मायाजाल को बढ़ावा देना शुरू करता है। वहीं इस पूरे समीकरण की बात करें तो कुछ अर्थशास्त्री इस मंदी से सहमत नहीं है। सहमत नहीं होने का उनका कुछ मूल कारण है जिन पर हम चर्चा करते हैं। जो सहमत नहीं है उनका मानना है कि आप एक तरफ आंकड़ा दिखा रहे हो कि देश में बिस्कुट की मांग कम हो रही है, देश में खाद्य सामग्री जो सामान्य है, मोटे अनाज है, उसकी मांग कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक आंकड़ा दिख रहा है कि देश में गोल्ड रेट जो है वो 25% से भी अधिक बढ़ रही है। हालांकि गोल्ड को अर्थशास्त्र में विलासिता की वस्तु माना जाता है, इसे लोग तभी खरीदते हैं जब ऐसी वस्तुओं के लिए लोगों के पास पैसा होता है। वहीं सैमसंग नोट 10 की बात करें तो ये भी अपने आप में एक विलासिता की वस्तु है कि 80,000 का फोन जो बिकता है इस अर्थव्यवस्था में, उसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये सैमसंग कंपनी का खुद का दावा है कि सैमसंग नोट 9 से अधिक मांग नोट 10 की है, और पूरे विश्व में सबसे अधिक मांग इसकी भारत में। ऐसे में एक अर्थशास्त्रियों के बीच में विभाजन है। विभाजन इसलिए भी है कि कुछ मानते हैं कि बिस्कुट और मोटे अनाज की मांग करने वाला व्यक्ति लो क्लास फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो खास कर या तो ग्रामीण तबकों से आती है या फिर उन शहरों से आती है जो निम्न दर्जे के शहर कहलाते हैं, टियर 3 लेवल के शहर कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सैमसंग नोट 10 की कोई मांग रख रहा होगा, गोल्ड की मांग रख रहा होगा, तो इन लोगों को हम लोग अपर मिडिल क्लास के लोग कह सकते हैं या अपर क्लास कह सकते हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान दौर में ये जो टकराव है कि एक तरफ विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ जरूरतमंद या सामान्य वस्तुओं की मांग कम हो रही है, इस पूरी कहानी को देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि देश में बढ़ रही आय और धन की विषमता इसका मूल कारण है। इसे हम नकार भी नहीं सकते हैं क्योंकि देश में गरीबी और अमीरी का फासला बहुत बढ़ना शुरू हो चुका है। चंद लोगों के पास देश की बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठा हो चुकी है, तो ये जो आय की विषमता है ये भी एक पूंजीवाद का ही परिणाम है, ये एक आर्थिक समृद्धि का परिणाम है जो हमने समावेशी समृद्धि की ओर बढ़ावा नहीं दिया। हम केवल आंकड़ों को प्राप्त करने में बिजी रहे। हमारा मानना था कि 8% 7% प्राप्त कर लेने से देश का समावेशी विकास हो जाएगा, जो इस राष्ट्र की सबसे बड़ी भूल है जो निरंतर हम लोग कर रहे हैं। ऐसे में ये जो समावेशी समृद्धि नहीं है, शायद इसी वजह से वर्तमान में मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन सबसे भी कहानी अलग है कि देश में मानसून परिवर्तन हुआ है। हालांकि इस मानसून परिवर्तन से अब वर्तमान में फायदे का सौदा होने की संभावना है। पहले सूखे की संभावना से कृषि में उत्पादन की में गिरावट आई है, लगभग 3 से 4% कृषि के क्षेत्र में गिरावट आई थी, लेकिन अभी मानसून में जो परिवर्तन हुआ है, उम्मीद है इससे मंदी में सुधार होने की आवश्यकता है। IMF का आंकड़ा खुद कह रहा है कि भारत वर्तमान में 7% से अधिक समृद्धि करने वाला है। ऐसे में ये जो 6% 5% का आंकड़ा है, इसमें थोड़ा देश में बढ़ना शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ आंकड़ा कहता है कि लोगों ने होम लोन की संख्या बढ़ा दी है। जब होम लोन की संख्या बढ़ा दी है तो ये साबित करता है कि इस कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में मांग बढ़ रही है। लोगों के पास आय सीमित हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग अपना शहरीकरण का या औद्योगिकरण का विस्तार करना बंद नहीं कर रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है इस संकट के दौर में सरकार को अपने कर को कम कर देना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित होगी। और कुछ का मानना है कि इस कर व्यवस्था को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कर व्यवस्था को कम कर दोगे तो जो तत्कालीन आय है वो भी सीमित हो जाएगी। हालांकि मंदी को
हम जितना जल्दी निकाल दें, यदि वास्तव में इस देश में मंदी का दौर चल रहा है तो सरकार को जितना जल्दी हो सके इस मंदी को निकाल देना चाहिए, क्योंकि मंदी के समय यदि वर्तमान समय में अल्पकालीन समय के लिए दिए गए लाभ सरकार के लिए नुकसानदायक भी होते हैं तो भी सरकार के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि दीर्घकालीन समय में टिकी हुई मंदी को निकाल पाना संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब सरकार के रवैये को देखें तो जून के महीने के बाद जुलाई के महीने में सरकार ने इन आंकड़ों को देखते हुए बहुत बेहतर निर्णय लिए हैं। सरकार चाहती है कि जो वर्तमान में जो सुबसाहट चल रही है कि जो मंदी की चर्चाएं चल रही हैं इस चर्चा को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए, क्योंकि यदि वास्तव में मंदी है तो ये राष्ट्र के लिए फायदेमंद नहीं है। सरकार ने घोषणा की है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ठेकेदारी आधारित विनिर्माण के क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी देगी, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विनिर्माण के क्षेत्र में दी गई मंजूरी उद्योग को बढ़ावा तो देगी लेकिन ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है या मीडियम टर्म का प्रोसेस है, अल्पकालीन समय में इसका लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात वर्तमान समय में किसी भी विदेशी निवेशक की बात करें तो भारत की तरफ नहीं बढ़ेगा, ऐसे में ये कहना गलत होगा कि इस पूरी व्यवस्था के अनुसार वर्तमान समय में ये नीति सफल होगी। कुछ का मानना है कि देश में वास्तव में मंदी का दौर है, उनका एक आंकड़ा है कि देश में ना तो उपभोग बढ़ रहा है और ना ही देश में बचत बढ़ रही है। यदि मैं ये कह दूं कि मंदी आर्थिक वजह से है या मंदी देश की जो मौद्रिक नीति है उनकी वजह से है तो देश में जाहिर सी बात है कि उपभोग नहीं बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है देश में बचत बढ़ना चाहिए, लेकिन देश में बचत भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि बचत की दर भी नहीं बढ़ रही है। तो इसका अर्थ यही है कि सामान्य शब्दों में किसी प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं है कि देश में वास्तव में मंदी है, कि लोगों के पास पैसा खर्च नहीं है, लोगों के पास पैसा खर्च करने को नहीं है, और अगर पैसा नहीं है तो वास्तव में ये मंदी का ही दौर है। दूसरी तरफ सरकार के रवैये को देखें तो सरकार ने हाल ही में एक सूची बनाई है जिसके अनुसार 23 सार्वजनिक उद्योगों में सरकार विनिवेश की नीति को अपनाने जा रही है, यानी 23 सरकारी उद्योगों में सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करने जा रही है। हाल में उड़ियन मंत्री ने ये घोषणा की है कि वो एयर इंडिया में 100% उसका निजीकरण करने को तैयार है, अर्थात संपूर्ण एयर इंडिया को बेचने को तैयार है। इस सारे समीकरण पर अगर हम लोग चर्चा करें तो देश में एक व्यवस्था ऐसी है कि कुछ बड़े सेक्टरों के अंदर ऑटोमोबाइल खास कर वो सेक्टर है जिसमें डिमांड कम हुई है। हालांकि इस नजरिए को मैं देखूं तो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बहुत बड़ा रहा है, तो उस नजरिए को भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि देखा देखी का प्रभाव भी है। इसका अर्थ यह है कि आप और मुझ जैसा व्यक्ति जब मंदी पर चर्चा करने लगा है तो हर आम आदमी डरने लगा है कि वास्तव में देश में पैसे की कमी है और लोग अपने खर्चों को कम कर रहे हैं ताकि बेहतर भविष्य को सुनिश्चित कर सके, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर चिन्ह नहीं है, क्योंकि वर्तमान अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी हैं, वो केवल उपभोग पर ही आधारित होती हैं, जितना उपभोग होगा उतना ही रोजगार सर्जित होगा। अब हम एक आंकलन करते हैं कि सरकार के द्वारा जो की गई योजनाएं हैं या जो सरकार इस मंदी से निपटने के लिए निर्णय ले रही है वो कहां तक कारगर साबित होंगे और कहां तक नहीं होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि देश को कर व्यवस्था को कम कर देना चाहिए, वर्तमान में GST की नीति में परिवर्तन करना चाहिए, कर की सीमाओं को कम करना चाहिए और सरकार को लोगों को अधिक खर्च करने के लिए लोन अधिक उपलब्ध करवाने चाहिए, और लोन अधिक उपलब्ध करवाने चाहिए, उसकी ब्याज दर को भी सरकार को कम करने की आवश्यकता है ताकि लोगों में एक बार अल्पकालीन समय के लिए खर्च करने की व्यवस्था शुरू हो जाए। ऐसे में सरकार यदि कर को कम करती है तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सरकार की गलती होगी, जिनकी गलती जो लोग मानते हैं कि गलत होगा, हम उनका पक्ष जानते हैं, फिर जो सही होगा उस पक्ष को जानते हैं और एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं कि वर्तमान समय में सरकार को कर को लेकर क्या व्यवस्था करनी चाहिए। जब जो लोग ये मानते हैं कि सरकार को कम नहीं करना चाहिए, उनका ये मानना है कि सरकार के पास वर्तमान में आय का एकमात्र विकल्प केवल कर बचा है और यदि कर भी कम कर दिया गया तो सरकार के खर्चे अधिक हो जाएंगे, आय की संभावनाएं सीमित हो जाएंगी और उद्योग प्रोत्साहित नहीं होंगे। हालांकि अगर हम अल्पकालीन समय में कुछ समय के लिए कर की दरों को कम कर दें ताकि इस मंदी के दौर से बाहर निकल सके, उत्पादन की लागत कम हो सके, और अगर उत्पादन की लागत कम होती है तो प्रत्येक वस्तु और सेवा की कीमतें कम होंगी, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने की संभावना है, और कर कम लगने से लोगों की आय की संभावनाएं अधिक होंगी क्योंकि लोगों के पास कर कम लगने से बचत बढ़ेगी और सरकार को अप्रत्यक्ष तौर पर इसका फायदा सरकार को ही तत्कालीन तौर पर होना है। अन्यथा सरकार कर तो ज्यादा ले लेगी लेकिन कर ज्यादा लेने के साथ इस मंदी के दौर में सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाना होगा, सरकार को निःशुल्क दवा निःशुल्क अनाज जैसी योजनाओं को बढ़ाना होगा जो सरकार के हित में दीर्घकालीन समय तक नहीं है।
कोई भी निःशुल्क योजना या सब्सिडी या अनुदान केवल अर्थव्यवस्था को कमजोर या अपंग बनाता है, ऐसा गुरनार मिडल जैसा अर्थशास्त्री मान चुका है। इसलिए बेहतर है कि हम लोग जनता से पैसा कम लें, ताकि जनता उस कम पैसे अधिक पैसे को कमाकर जनता इसी अर्थव्यवस्था को वापस उपभोग के तौर पर लौटाना शुरू कर दे। दूसरी तरफ जब हम उस आंकड़े को देखें कि एक तरफ विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो सामान्य वस्तुएं हैं उनकी मांग गिर रही है, तो इसका यह भी मूल कारण है कि कृषि के क्षेत्र में प्रगति बहुत कम हुई है और कृषि के क्षेत्र में जो बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसे लोगों के पास उद्योग के नहीं बढ़ने से रोजगार की संभावनाएं नहीं है। एक आंकड़ा है जो बड़ा ही चिंतन का विषय है कि कृषि के क्षेत्र से मजदूर या कृषि के क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी बढ़ रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उद्योगों का विस्तार नहीं हो रहा। ऐसे में कृषि से जो अकुशल श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं उनका उद्योगों में किसी तरीके से स्वीकार योग्य नहीं होगा। जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर जिन लोगों को वर्तमान में निकाल रहे हैं, उनका सब मूल यही कारण है, जो अस्थायी कर्मचारी हैं वर्तमान समय में उन्हीं को निकाला जा रहा है। लेकिन अस्थायी को निकालने का कारण ये हुआ कि जो स्किल्ड नहीं, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, तो ऐसे में एक संकट का दौर शुरू होगा। हमारी राय में सरकार को पिरामिड ऑफ द इकोनॉमी पर फोकस करना चाहिए। बड़े बड़े विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का यही मानना है कि जब सरकार मंदी के दौर में समाज के सबसे निचले तबके को प्रभावित करे, उसका सकारात्मक रवैया अपनाए, तो वास्तव में इस मंदी के दौर से निकलना संभव होगा या इस मंदी के प्रभावों से निपटना आसान होगा। जब हम लोग निचले तबके की बात करें तो ये खास कर वही तबका है जो ग्रामीण क्षेत्र में है, या शहरों में जो अल्प विकसित शहरों की बात की जाए तो उनका तबका है। अल्पविकसित शहरों की बात करें तो वहाँ वो मजदूर हैं जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो अकुशल श्रमिक हैं, और जब ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कृषि या कृषि से जुड़े मजदूर हैं। तो सरकार को मनरेगा जैसी योजना पर जो 60,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है, उस बजट को जल्दी से जल्दी सरकार को निवेश करना चाहिए, ताकि जो समाज का निचला तबका है वो इस मनरेगा जैसी योजना का लाभ उठाकर अपनी जरूरत की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ बात करूँ तो सरकार को कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एक मल्टी डायमेंशनल इंडस्ट्री होती है, लगभग 85 से अधिक उद्योगों को एक जो कंस्ट्रक्शन का उद्योग है वही बढ़ा देता है। कंस्ट्रक्शन के उद्योग में 7-8% कमी आने का मूल कारण यह भी रहा है कि कंस्ट्रक्शन के उद्योग में लोग कहते हैं नोटबंदी का वजह से, कालाधन कम होने की वजह से या भ्रष्टाचार कम होने की वजह से देश में संपत्तियों की मांग कम हो रही है, और जब रियल इस्टेट की मांग कम हो रही है तो कंस्ट्रक्शन कम हो रहा है। परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव प्रत्यक्ष तौर पर कृषि और उन उद्योगों पर पड़ रहा है जहां अकुशल श्रमिकों की मांग है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा क्षेत्र है जहां अकुशल श्रमिकों की सबसे अधिक मांग होती है, जो कृषि और उन उद्योगों के बोझ को कम कर देता है जहां अकुशल श्रमिक अधिक हैं। ऐसे में सरकार को इस कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को डेवलप करने की आवश्यकता है। मिल्टन फ्रीडन की बात करेंगे तो एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है कि ऐसे दौर में सरकार को हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग करना चाहिए। हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग का अर्थ है सरकार को पूर्णतः निःशुल्क पैसा आवंटित करना चाहिए, या निःशुल्क का अर्थ है कि जितना ज़्यादा हो सके सरकार को सब्सिडी अनुदान जैसी योजनाओं को बढ़ाना चाहिए। तीसरी तरफ जो सरकार निर्णय ले रही है कि हमें 23 सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश की नीति को अपनाकर हम लोग निजीकरण की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि एयर इंडिया को लेकर जो सरकार का रवैया था वो ठीक नहीं था। एयर इंडिया पिछले साल बिकने की कगार पर थी, उस दौरान सरकार की शर्तें ठीक नहीं थी। सरकार का कहना था कि हम लोग 26% से अधिक शेयर हमारे पास रखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग किसी भी विदेशी कंपनी जो इस एयरलाइन को खरीदेगी उस पर एक शर्त होगी कि वह एयर इंडिया को अलग संचालित करेगी और अपनी कंपनी को अलग संचालित करेगी। सरकार का रवैया यह साबित करता था कि वो कठोरता से निर्णय ले रहे थे, और किसी भी निवेशक के लिए ऐसी शर्तें स्वीकार करने योग्य नहीं है कि जो आप उसके व्यापार को प्रभावित कर सको। हालांकि जुलाई के आंकड़ों के बाद देश के उड्डयन मंत्री ने यह घोषणा कर दी है कि वह एयर इंडिया को 100% बेचने को तैयार है। हो सकता है सरकार देर से जागी है, लेकिन एक बेहतर समय पर ऐसा हो चुका है। हमें कुछ क्षेत्रों में निजीकरण करने की आवश्यकता ही है, क्योंकि जैसे जेट एयरवेज बंद हुई, इस तरीके से यदि एयर इंडिया सरकारी कंपनी रही और बंद हो गई तो सरकार के लिए एक बेरोजगारी का आलम बढ़ना क्या होगा शुरू। सरकार को उसके 100% सेल या जो भी सामरिक विनिवेश की नीति है या सामान्य विनिवेश की नीति है वो अपनाने की आवश्यकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि सरकार को निजीकरण पर एक बार रोक भी लगानी चाहिए, क्योंकि निजीकरण में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोई भी निजी क्षेत्र जो इस उद्योग को खरीदता है वो केवल क्या है, लाभ के दृष्टिकोण से खरीदता है।
परिणाम स्वरूप वो जो गैर उपयोगी कर्मचारी होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो उनके फायदे के सौदे के कर्मचारी नहीं हैं, उनको निकालना शुरू कर देता है। और जब निकालना शुरू कर देता है तो देश में बेरोजगारी का आलम होना शुरू हो जाता है। ऐसे में सरकार को इन सार्वजनिक उद्योगों को वर्तमान के दौर में केवल इस व्यवस्था को ये देखना है कि अर्थव्यवस्था में पैसों का संकट है या लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है, तो सरकार को निजीकरण की नीति को अपनाने की जगह विनिवेश की नीति में सामरिक विनिवेश या सामान्य विनिवेश की नीति को अपनाने की जरूरत है। सामान्य विनिवेश का तात्पर्य होता है जब सरकार 49% हिस्सेदारी जनता को या किसी अन्य क्षेत्र को बेच देती है, और जब सामरिक विनिवेश की बात करते हैं तो सरकार जब 26% प्लस प्रबंधन किसी निजी क्षेत्र को बेच देता है तो उसको हम सामरिक विनिवेश कहते हैं। वर्तमान मंदी के दौर में सरकार को केवल यह आवश्यकता है कि वह इस वर्तमान दृष्टिकोण में केवल पैसा जितना ज्यादा संभव हो सके एकत्रित करे। जितना पैसा एकत्रित किया जाएगा उतना ही देश में विकास की हो या मंदी की समस्याओं से निपटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में सरकार को सामरिक और सामान्य विनिवेश को बढ़ाना चाहिए जिसमें केवल पूंजी और तकनीकी मदद मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ सरकार को इस वर्तमान दौर में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जितना विदेशी निवेश बढ़ेगा इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उतना ही मजबूत होना शुरू होगी। कुछ सरकार आलोचकों का मानना है कि मोदी एक की सरकार ने इस महंगाई का फायदा उठाया था। उस दौरान तेल की कीमतें पूरी दुनिया में गिर चुकी थी, लेकिन मोदी सरकार ने देश में तेल की कीमतों को कम नहीं किया। इसी वजह से तेल के क्षेत्र में पुराने घाटे को पूरा किया गया और आप लोगों से उतनी ही राशि ली गई जितनी सरकार पहले ले रही थी, लेकिन सरकार की लागत कम हो चुकी थी। ऐसे में मोदी ने उस पैसे को अन्य जगह प्रयोग किया और अर्थव्यवस्था को मजबूत होना दर्शाया। लेकिन कुछ हद तक इस बात को माने तो सही हो सकता है, लेकिन जब दीर्घकालीन समय देखें तो उस तेल की कमाई से सरकार ने केवल अपने राजकोषीय घाटे को कम किया है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक चिन्ह है। चाहे मोदी करे चाहे मनमोहन सिंह करे, दोनों के लिए ही भारत सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसे में भारत सरकार को यह भी देखना चाहिए कि वर्तमान दृष्टिकोण में किसी विपक्ष के दबाव को लेकर कोई कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है या अस्थिर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को दीर्घकालीन समय में सोचना चाहिए। वर्तमान दृष्टिकोण में संपूर्ण रिपोर्ट का एक निष्कर्ष लेकर आऊं तो वर्तमान एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जहां लोगों के पास खरीदने की क्षमता कम हो चुकी है, लोगों के पास पैसों का फ्लो कम हो चुका है। ऐसे में इस पैसे के फ्लो को ही बढ़ाने की आवश्यकता है, बाकी मांग में कोई कमी नहीं आई है। क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो मांग कम हुई है उसका मूल कारण है कि देश के अंदर सरकारी परिवहन प्रणाली में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। हाल ही में देश के रेलवे को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया गया। ऐसे में जब आप रेलवे, आप इसके साथ साथ एयरलाइंस की बात करेंगे, इसके साथ साथ सड़क मार्ग की बात करेंगे, तो हाल ही में पिछले 5-7 सालों में सरकार ने बहुत बड़ी प्रगति की है, सुख सुविधाओं के क्षेत्र में प्रगति की है। तो व्यावसायिक जो परिवहन प्रणाली है वो बढ़ रही है, और यदि व्यावसायिक परिवहन प्रणाली बढ़ रही है तो घरेलू परिवहन प्रणाली के बढ़ने की संभावना नहीं है। यही कारण है कि कुछ सेक्टरों की लोगों की मांग में गिरावट आई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ कंपनियों का विश्लेषण किया जाए तो टोयोटा कंपनी ने अभी भी स्वीकार नहीं किया है कि उनकी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में मांग कम हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारत के छोटे परिवारों तक सीमित रखने वाली मारुति ने यह स्वीकार किया है कि 7-8% उनमें समृद्धि 7-8% उनकी बिक्री गिरी है। ऐसे में जब हम लोग एक तरीके से नजरिया ये देखें तो जो बड़े लोग हैं उनके अंदर इस चीज का कभी कोई प्रभाव नहीं हुआ है। पैसे की कमी केवल जो सीमित परिवार हैं उन्हीं के पास हुआ है। एक मध्यम परिवार की आय निश्चित होती है, ऐसे में अपने उपभोग को निश्चित रखना चाहता है और कैश फ्लो कम होने की वजह से उस आय को निश्चित रख रहा है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था उपभोक्तावादी हो चुकी है, EMI जैसे सिद्धांत डेवलप हो चुके हैं। ऐसे में ये जो मांग निरंतर बढ़ रही थी अब उस मांग को एक सीमा तक हम लोग पहुंच चुके हैं। शायद ये भी एक कारण है कि अधिक मांग अब इस क्षेत्र में नहीं बढ़ रही है। सरकार को इन सभी नजरियों को ध्यान में रखकर एक निर्णय लेना है। प्रमुख प्राथमिकता सरकार की केवल ये होनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके से तत्कालीन समय में कैश फ्लो को बढ़ाएं, यानी देश के अंदर पैसे के फ्लो को बढ़ाएं। कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए सरकार को कर नीति को सरल करना चाहिए, जो दीर्घकालीन समय में चुनौती बन सकता है, लेकिन अभी अल्पकालीन समय में अपने कर की दरों को कम करना सरकार के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ सरकार को सब्सिडी की नीति और अनुदान की नीति की जगह सरकार को विदेशी निवेश को प्राथमिकता देना चाहिए। सरकार को मनरेगा जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार को कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को डेवलप करने की आवश्यकता है। जैसा मिल्टन कहते थे कि सरकार को हेलीकॉप्टर मनी को लॉन्च करने की आवश्यकता है कि ऊपर से पैसा फेंकने की आवश्यकता है ताकि ये जनता उपभोग करना शुरू कर दे। इसके साथ साथ सरकार को ये देखना है
कि जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में बेरोजगारी की संभावना है उसका विकल्प अपनाएं। हालांकि सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने एक चीज कही है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में खास कर जहां खुला प्रतिस्पर्धा होती है ऐसी अर्थव्यवस्था में किसी भी उद्योग को सरकार को एक बेटे की लालसा की ओर से नहीं देखना चाहिए कि उसके पिताजी उसकी रक्षा करेंगे। अर्थात सरकार से इन निजी उद्योगों को उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जब खुली प्रतिस्पर्धा का दौर है, जब ओपन इकोनॉमी है, तो ऐसे दौर में कुछ उद्योग शुरू होंगे, कुछ उद्योग बंद होंगे। जो इस अर्थव्यवस्था में कम्पीट कर जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो कम्पीट नहीं कर पाएगा उसको जाहिर सी बात है अपने उद्योग को बंद करना पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस एकतरफा रवैये से हमें मंजूरी नहीं लेनी चाहिए, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उद्योग शुरू करता है तो वह केवल अपने लाभ के लिए ही शुरू नहीं करता है। उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अर्थात उद्योग स्वयं को भी विकसित करता है, कृषि के क्षेत्र को भी विकसित करता है, और सेवा के क्षेत्र में भी मांग को बढ़ाता है। ये एक विश्लेषित रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के आधार पर हमें आकलन करना है कि वास्तव में यदि मंदी है तो उस मंदी का क्या कारण है।